जिले में राजस्थान पुलिस के मुखिया भूपेंद्र सिंह यादव अधिकारियों को कानून का पाठ पढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक थाने में ही रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। एसीबी की स्पेशल यूनिट ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी एएसपी ब्रजराज सिंह ने बताया कि टोंक के परिवादी नवीन टांक ने शिकायत दर्ज कराई थी। थाने में दर्ज एक मामले में समझौते के लिए थानाधिकारी चेनाराम चौधरी और साथ ही हेड कांस्टेबल साहिराम के लिए कांस्टेबल ओम प्रकाश चौधरी ने 3,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। टीम ने 14 दिसंबर को मांग का सत्यापन कराया तो सत्यापन के दौरान कांस्टेबल ओम प्रकाश ने 2,00,000 रुपए ले लिए थे, जिसके बाद एसीबी की टीम ने शेष 1,00,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते कांस्टेबल ओम प्रकाश को रेडिएशन होटल से रंगे हाथों पकड़ा, जबकि सह आरोपी साहिराम को प्रतापनगर थाने से गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम मामले में थानाधिकारी प्रतापनगर की भूमिका की जांच पर की भी जांच कर रही है और वहीं टीम ने दोनों पुलिसकर्मियों के आवास की भी